हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन है अपने पास, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में दी हुई है हमारे पास, जहाँ F1, F2, F3 कोई सोर्स हैं और M1, M2, M3, M4, M5 यहाँ इनकी सप्लाई करनी है। यहाँ अवेलेबिलिटी है, F1 के पास 8 है, F2 के पास 12 है और F3 के पास 14 है। और M1 को जो डिमांड है, M1 को 4 है डिमांड या रिक्वायरमेंट, M2 के लिए 4 है, M3 के लिए 6 है, M4 के लिए 8 है, M5 के लिए 8 है। फ्रेंड, सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये बैलेंस या नहीं। उसके लिए हम दोनों का सम करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं तो ये हो जाता है अपने पास 20, 34। और अब इधर देखते हैं तो ये हो जाता है 16 16 प्लस 6 22 22 22 प्लस 4 26 प्लस 4, ये हो गया अपने पास 30। फ्रेंड्स, ये 30 है, 34 है, इसका मतलब ये जो हमारे पास टेबल है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ये अपने पास बैलेंस प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हम देखते हैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है वो है अपने पास 30 और जो अवेलेबिलिटी है 34, यानी हमारे पास रिक्वायरमेंट के लिए और कुछ चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट 4 हो, हमें ऐसा चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट 4 हो। अब फ्रेंड्स, ये हम इसमें इसका मतलब हमें M6 एक जनरेट करना होगा, वो हमारे पास रियल में नहीं होगा, लेकिन हम एक जनरेट करेंगे कि मान मान के चलेंगे कि हमारे पास कोई M6 है जिसकी रिक्वायरमेंट 4 है, ये मान के चलेंगे हम। तो इसके लिए हम बनाते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टेबल बनाते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स M1, M2, M3, M4, M5, M6, यहाँ पे F1, F2, F3, ये हो गया। अब फ्रेंड्स, हमने इसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट ये इसकी 4, M1 की रिक्वायरमेंट 4 4 6 8 8, इसकी रिक्वायरमेंट हमने 4 लेके चले हैं, क्योंकि 4 लेने से 34 इसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी जितनी की अवेलेबिलिटी है। और अवेलेबिलिटी है इसके पास वो है 8 12 एंड 14। तो फ्रेंड्स, अब ये 34 और 34 दोनों तरफ, तो ये हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी ये बैलेंस हो चुकी है। अब फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉस्ट है वो बढ़ देते हैं, कॉस्ट को हम कॉर्नर पे देखते हैं, तो यह आ जाएगा 4 2 3 2 6, इसकी हम 0 लेके चलते हैं, कॉस्ट इसकी 0 लेके चलते हैं, 5 4 5 2 sorry 2 1 0 6 5 4 7 3 0। अब फिर से हम इसकी डिमांड कंप्लीट करते हैं, तो डिमांड हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगा ले रहे हैं इसमें। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल वो क्या कहता है, पहले जो नॉर्थ कॉर्नर पे जो आ रहा है उसकी डिमांड हमारे पास पूरी करेंगे। इसकी अवेलेबिलिटी इसके पास 8 है और इसकी डिमांड 4 है, तो ये अपने पास 4 ले लेगा। इसी तरह इसकी अवेलेबिलिटी 4 है और इसके पास 4 ही अवेलेबल है, तो ये 4 इससे ले लेगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे इन दोनों को ये कंप्लीट हो चुका है, इधर से ये भी कंप्लीट हो चुका है, अब हमें यहाँ पे लेना है, तो ये हो जाएगा 12 और इसको डिमांड रिक्वायरमेंट कितनी है M3 की, 6 ओनली, तो ये 6 ले लेगा। उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट आती है, तो इसकी ये 8 रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके पास अवेलेबल है, ये 6 दे चुका है, तो इसके पास है 6, 12 माइनस 6, तो इसके पास 6 है, 6 इसको दे देगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है अभी, क्योंकि इसको अभी रिक्वायरमेंट है वो अभी 1 2 की रिक्वायरमेंट और है, तो ये यहाँ से 2 ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट है 8 है, तो यहाँ से ले लेगा 8 एंड 4। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं M+N-1, जो कि बेसिक सॉल्यूशन होता है, उसमें वेरिएबल होना चाहिए M
प्लस एन माइनस वन। यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन हम देखते हैं यहाँ से ये 6 हैं, तो एम 6 प्लस एन क्या है 3 माइनस 1 इक्वल टू 9 माइनस 1 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फ्रेंड्स ये हमारे पास 7 है और ये हमारे पास कितने हैं 8 हमारे पास चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कहीं एक हमें 0 मानना होगा और वो 0 इस तरह से मानना होगा कि ये हमारे पास कि उसके बेसिक सॉल्यूशन में बाद में जो यू एंड बी की वैल्यू निकालें तो उसके लिए हमें एक बेस प्रदान कर बेस दे दें। वो वैसे हम कहीं भी मान सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पे मान सकते हैं, यहाँ पे मार्क कर सकते हैं उसको, यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं, कहीं भी अपनी मर्जी है, वो कहीं भी मान सकते हैं। हम इसमें यहाँ मार के चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है अगर जैसे हम यहाँ पे वी की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद इसकी हेल्प से हम इस इधर वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम ये लेके चल रहे हैं। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास टेबल आ चुकी है, हमारे पास एक बेसिस आ चुका है, लेकिन ये बेसिस हमारे पास एक सॉल्यूशन देता है लेकिन मिनिमम नहीं देता। अब इसको हम मिनिमम करना होता है, तो मिनिमम के लिए हम यू बी मेथड लगाते हैं। फ्रेंड्स यू बी मेथड में क्या होता है, जैसे यहाँ यू वन है, यू टू, यू थ्री, यहाँ पे वी वन, इसके नीचे, इसके नीचे वी टू, इसके नीचे वी थ्री, इसके नीचे वी फोर, वी फाइव एंड वी सिक्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक को 0 लेके चल रहे हैं, एक को हमने अपनी तरफ से किसी को भी ले सकते हैं हम। मैंने इसमें यू वन इक्वल टू 0 ले लिया, तो यू वन इक्वल टू 0 ले लिया, तो हमें करना क्या है, यू वन प्लस वी वन इक्वल टू जो अपने पास कॉस्ट वैल्यू होती है उसके इक्वल होना चाहिए और वो उसी में लेना है हमें जिसमें हमने ये फिल किए हुए हैं। तो यू वन प्लस वी वन इक्वल टू 4, तो यू वन तो अपने पास 0 है, तो वी वन इक्वल टू 4। इसी तरह यू वन 0, वी टू 0, यहाँ वी टू बराबर 2। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास वी टू बराबर 2 आ चुका है, तो अब हमें यू टू की वैल्यू चाहिए, तो यू टू की वैल्यू के लिए क्या करना होगा, 2 प्लस यू टू इक्वल टू 4, यू टू इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरह यहाँ पे 2 आ चुका है, यू टू इक्वल टू 2 आ चुका है, तो हमें यू टू इक्वल टू 2 आ चुका है, यू टू प्लस वी थ्री इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो वी थ्री इक्वल टू 3 होगा, तो 5 हो जाएगा। ये यहाँ पे वी थ्री आ चुका है, यहाँ पे यू टू बराबर 2 है, यहाँ पे हमारे पास 2 चाहिए, 2 होना चाहिए, तो इसके वी फोर बराबर 0 आ जाएगा। एंड वी फाइव, अब यहाँ पे वी फोर आ चुका है, तो वी फोर यहाँ से हमें वी फोर प्लस यू थ्री इक्वल टू 7 चाहिए, तो यू थ्री इक्वल टू 7 एंड वी फाइव इक्वल टू यहाँ से 7, वी फाइव प्लस यू थ्री इक्वल टू 3 चाहिए, तो वी फाइव प्लस 7 इक्वल टू 3, वी फाइव इक्वल टू माइनस 4 आ गया। इसी तरह वी सिक्स इक्वल टू आ जाएगा, अपने पास 0 चाहिए यहाँ पे, तो वी सिक्स इक्वल टू 4, सॉरी माइनस 7, ये आ गया फ्रेंड्स। अब हम निकालते हैं यू जो रिमेनर जो हमारे पास जिनमें हमने कुछ भी नहीं किया, जो जिनको हम लेके नहीं चले, जो हमारे पास खाली हैं उनमें हमें निकालना है यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे, यानी यू आई प्लस वी जे जोड़ना है और जो सी आई जे कॉस्ट वैल्यू है उसको माइनस करना है। तो ये करते हैं, तो हमारे पास आता है पहले 3 प्लस 0 जी 3 रहेगा, माइनस 3 ये 0 हो जाएगा, वी फोर ये 0 0, तो ये माइनस आ जाएगा। फ्रेंड्स हमें माइनस है तो वहाँ पर माइनस लिख देंगे, लेकिन हमें पॉजिटिव हमें हम इसमें देखते हैं सबसे बड़े पॉजिटिव नंबर, तो माइनस को तो हमें लिखना है ही नहीं, कि माइनस में कुछ भी नंबर आए हमें लिखना ही नहीं, उसमें मतलब ही नहीं है। माइनस अगर हमें पता चल रहा है कि माइनस में जा रहा है तो उसमें सिंपली हम माइनस का साइन लगा के छोड़ देंगे। इसी तरह यहाँ वी फोर यहाँ पे माइनस 4 प्लस 0 माइनस 6 ये भी नेगेटिव में जा रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे अब देखते हैं तो माइनस 7 प्लस 0 ये भी नेगेटिव में जा रहा है, ये तीनों नेगेटिव में चले गए जा चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं 4 प्लस 2 6 हो गया, माइनस 5 तो ये आ गया 1, ये हमारे पॉजिटिव में, इसलिए हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह अब यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 हो गया, तो ये माइनस 3, तो माइनस ही लिख देंगे इसके लिए। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखते हैं तो ये रहेगा 2 और ये माइनस 7 ये हो गए माइनस 5, तो इसको नेगेटिव है, इसको नेगेटिव है साइन से दे देंगे। इस तरह यहाँ 4 प्लस 7 इक्वल टू 11 माइनस 6 तो ये हो गया 5। अब यहाँ देखते हैं 2 प्लस 7 इक्वल टू 9 तो ये हो गया अपने पास 2 प्लस 7 इक्वल टू 9 माइनस 5 तो ये हो गया अपने पास 4। इसी तरह ये आ गया फ्रेंड्स 6,
ये आ चुका है हमारे पास। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे जो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर है, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या है इनमें, यहाँ पे ये जीरो माइनस माइनस इससे मतलब नहीं है कि नेगेटिव है, ये वन है, फाइव है, फोर है, सिक्स है, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर ये है अपने पास फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें कोई वैल्यू पुट करनी है थीटा, कोई हमने वैल्यू ले ली यहाँ पे थीटा में जो पुट करना है। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे 90 डिग्री के कोण से इस तरह चलना है कि जहाँ पे ये हमारे पास फिल है उन्हीं जगह से मुड़ना, किसी और जगह से हमें मुड़ना नहीं है। तो हम यहाँ से चलते हुए यहाँ पे जाते हैं, अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो आगे तो हम यहाँ जा सकते हैं, लेकिन इधर मुड़ते हैं तो यहाँ पे मुड़ने के लिए कोई चांस नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें मुड़ना वहीं है जहाँ पे हमारे पास ये फिल हो। तो हम यहाँ से, और अगर यहाँ से मुड़ने की कोशिश करें तो हम इधर से नहीं मुड़ सकते, नीचे हम जा नहीं सकते, तो हमें यहीं से मुड़ना होगा यहाँ से। अब ऊपर जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम यहाँ से नहीं मुड़ सकते क्योंकि ये खाली है, तो हमें यहीं से मुड़ना होगा, यहाँ से मुड़ गए। अब हम यहाँ पे जाकर नीचे नहीं आ सकते क्योंकि नीचे कोई ऐसा नहीं है हमारे पास जहाँ से हम मुड़ सकें, तो हमें यहाँ से मुड़ना होगा। इस तरह हो गया फ्रेंड्स। फिर अब हमने यहाँ पे कोई नंबर है थीटा, ये हमने यहाँ पे थीटा फिल कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ हमने थीटा फिल किया, तो इसको हमें ऑप्टिमल बनाने के लिए यहाँ माइनस थीटा करना होगा। अगर यहाँ पे माइनस थीटा हुआ है तो इसमें से कुछ जो थीटा वो जो माइनस हुआ है यहाँ पे वो ऐड करना होगा हमें, फिर यहाँ पे फिर उसको माइनस करना होगा। अब फ्रेंड्स ये आ गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स थीटा क्या हो सकता है यहाँ पे, टू माइनस थीटा एंड सिक्स माइनस थीटा, तो टू माइनस थीटा ले सकते हैं, थीटा इक्वल टू टू पे ये जीरो हो जाएगा, तो हम टू माइ थीटा इक्वल टू लेट थीटा इक्वल टू टू ये ले सकते हैं हम। और फिर हम फिर से टेबल बनाते हैं। अब फ्रेंड्स इसी टेबल को हमने यहाँ पे बना लिया है, अब हमें यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे जो थीटा है थीटा इक्वल टू टू रख के हमें फिल करना है, जहाँ पे हमारे पास कोई चेंज नहीं है वहाँ पहले ही फिल कर देते हैं, जैसे इस रो में कहीं भी चेंज नहीं है तो फोर एंड फोर। अब हम इस रो में देखते हैं, तो इस रो में यहाँ पे जीरो पे कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे चेंज है यहाँ पे सिक्स माइनस थीटा, यानी सिक्स माइनस टू, थीटा इक्वल टू हमने टू लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा फोर, यहाँ पे सिक्स प्लस थीटा तो ये जाएगा एट। फिर से अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो कंडीशन है ये फिजिबिलिटी कंडीशन कहलाती है, ये हमारे पास चेंज नहीं हुई है, जीरो प्लस फोर प्लस एट इक्वल टू ट्वेल्व, हमारे पास ये कंडीशन चेंज नहीं होनी है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थीटा इक्वल टू इसके नीचे टू, अगर टू माइनस थीटा जीरो, तो हम इस जीरो को नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको लिखने से हमारे पास जो बेसिस होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, नौ हो जाएंगे, तो उसको लिखना नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो एक एक्स्ट्रा को हटाना भी है, तो इसको इस जीरो को हम हटा देते हैं। यहाँ हो जाएगा फ्रेंड एट फोर। अब फ्रेंड्स हम देख सकते हैं यहाँ पे जो बेसिस है वो हमारे पास कितने होने चाहिए, एम प्लस एन माइनस वन, यानी एम सिक्स प्लस थ्री माइनस वन, यानी नाइन होना चाहिए, एट होना चाहिए, सॉरी एट होना चाहिए। तो हम गिनते हैं इनका, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये हमारे बेसिस हैं। अब फ्रेंड्स फिर से हम वही यू एंड वी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे हम यू वन लिखते हैं, यहाँ यू टू यू थ्री, यहाँ पे वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव वी सिक्स। अब फ्रेंड्स यू वन बराबर हम जीरो लेके चल रहे हैं, तो वी वन बराबर आ जाएगा मेरे पास फोर, ये जो हमने पहले किया वही तरीका है, वी टू बराबर आ जाएगा टू, ये आ जाएगा वी थ्री बराबर थ्री, ये जीरो ये टू ये माइनस वन, और यू टू बराबर आ जाएगा टू एंड वन। फ्रेंड्स जो हमने पहले पहले जो टेबल में सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व किया क्या है ये हमने। अब हम यहाँ पे फिर से हम वही देखते हैं कि यू यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे, तो देखते हैं, तो ये तो अपने पास जीरो आएगा, ये माइनस आएगा, माइनस माइनस ये फ्रेंड्स वन आएगा। अब यहाँ पे नहीं देखना हमें, यहाँ पे नहीं देखना, यहाँ पे नहीं देखना, यहाँ पे देखना है, तो ये आ जाएगा अपने पास टू माइनस टू, तो ये नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि टू माइनस टू प्लस टू वन, ये आ जाएगा अपने पास थ्री। इसी तरह यहाँ से यहाँ पे देखना है हमें, तो माइनस वन माइनस सॉरी ये आ जाएगा वन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखना है हमें, तो वो आ जाएगा हमारे पास फोर वन फाइव माइनस, ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, और ये आ जाएगा फोर, ये भी माइनस में आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास माइनस में आ चुके हैं, तो हम देखते हैं सबसे बड़ा पॉजिटिव, देखते हैं सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है यहाँ पे, ये है सबसे बड़ा पॉजिटिव थ्री।
तो यहाँ पे हमें कुछ थीटा ऐड करना है, यहाँ पे हमें थीटा ऐड करना है, यहाँ पे थीटा ऐड करना है फ्रेंड्स। अब यहाँ से देखना है क्या जो हमने वे बनाना है वो किस तरह से बना सकते हैं हम। यहाँ से हम ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ से कोई ऐसा कोई फिल नहीं है जहाँ से हम मुड़ सकें। हम मुड़ना वहीं पे जहाँ पे हमने फिल किए हुए हैं, यहाँ से मुड़ सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे 8 है, यहाँ से मुड़ सकते हैं। तो इधर जा सकते, इधर तो जाने से कोई फायदा नहीं क्योंकि हम उसके बाद ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर से मुड़ने के लिए हमारे पास कोई नहीं है क्योंकि हमने फिल नहीं किया है। तो यहाँ से जाएगा ये, उसके बाद फ्रेंड ये यहाँ से आगे नहीं जा सकता क्योंकि आगे कहीं हमारे पास मुड़ने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिल नहीं है, यहाँ पे फिल नहीं है। अब फिर हमें यहाँ से मुड़ना होगा। अब फिर हम यहाँ से इधर जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, लेकिन इधर से फिर यहाँ पे हम वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमें हमारे पास सबसे सिंपल वे है कि हम यहीं से वापस चलें। ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब हम फिर से टेबल बनाते हैं फ्रेंड्स। टेबल बनाने से पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे थीटा हुआ है तो यहाँ पे हमें माइनस थीटा करना पड़ेगा। हमने कुछ ऐड किया है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा उसको, यहाँ उसको प्लस करना पड़ेगा, प्लस थीटा, यहाँ पर माइनस थीटा करना पड़ेगा। अब फिर से हमें थीटा की वैल्यू देखनी है तो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। तो लेट थीटा इक्वल टू 4। अब फिर से हम नई टेबल बनाते हैं। अब फिर इस टेबल में हम इसी तरह से फिल करते हैं क्योंकि इस रो में हमारे पास कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे हमारे कुछ चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस रो में हमें चेंज करना है तो यहाँ पे तो 0 रहेगा, यहाँ पे चेंज करना है तो थीटा इक्वल टू 4, यहाँ 0 आएगा तो हम इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हमें 8 लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है। फिर से हमें ध्यान रखना है कि जो अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट दोनों कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। 8, 12, 14 रिक्वायरमेंट है, 4, 4, 6, 8, 8, 4। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास जो सबसे इसका सिंपल जो इसका हमारे पास प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ये है कि हमारे पास कहीं अगर अंदर मिस्टेक हो जाती है यू एंड बी हमारे काउंट निकालने में तो कहीं गलती हो जाती है, तो हमारे पास सबसे बड़ा हम ध्यान रखना है कि हमारे पास जो फिजिबिलिटी कंडीशन है मतलब जो अवेलेबिलिटी है वो रो वाइज और रिक्वायरमेंट है वो कॉलम वाइज, हमारे पास ये कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, हमेशा सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ऐसे इसको हम ध्यान रखते हो, अगर हमारे पास यू एंड बी की कहीं अगर गलती हो जाती है तो हमारे पास स्टेप बढ़ जाएंगे लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन लास्ट में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिख चुके हैं तो अब यहाँ पे करना है हमें 2 + थीटा, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 8 - थीटा, ये हो जाएगा 4, 4। फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कहीं भी हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है या 4, 4, 8 है, 0, 8, 4, 12 है, 6, 4, 14 है। इस तरह रिक्वायरमेंट देखते हैं तो 4 इसके भी 4 है, 4 यहाँ पे भी 4 है, इधर 6 है, 8 यहाँ पर भी 8 है, 4 + 4 यहाँ पर भी 8 है और 4 यहाँ पर भी 4 है। इस तरह हमारे रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी दोनों कंडीशन चेंज नहीं होंगी। अब हम यहाँ पे फिर से यू वी मेथड लगाते हैं, u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 v5 v6। अब फिर यू वन बराबर हमने एक अपनी तरफ से मान लिया 0, फिर हमें ये वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगी 4, ये 2। अब फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा अपने पास 4, सॉरी 2, ये आ जाएगा 2 आ गया, तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से v4 = 0। अब यहाँ से हम v5 की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी अपने पास -1। एंड अब यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, v5 की वैल्यू आ चुकी है, v6। अब फ्रेंड्स निकालनी है हमें वैल्यू निकालनी है जो v3 एंड v6 की निकालनी है और u3 की निकालनी है हमें। अब ये निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, फिर से यहाँ पे हमारे पास d5 की वैल्यू है -1, तो ये आ जाएगा u3 बराबर आ जाएगा अपने पास 4, 4 + -1 ये हो जाएगा 3, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये आ चुका है, u3 की वैल्यू आ चुकी है, तो हम यहाँ से इसकी निकाल सकते हैं, ये आ जाएगी -3 और ये आ जाएगा अपने पास v3 बराबर आ जाएगा अपने पास 1। अब फिर से हम वही देखते हैं कहाँ पे ui + vj - cij, ui 4 + 0, तो यहाँ पे इनमें देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तो ये सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि हमने इसी के अकॉर्डिंग निकाला, तो इन पे तो 0 0 आएगा। हमें देखना है जहाँ पे हमें फिल नहीं किए, तो ये 1 ये हमारे पास नेगेटिव, 0 0 ये हमारे पास नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये भी हमारे पास फ्रेंड्स -3, ये नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं प्लस 4 + 2 ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 + 2 यहाँ पे देखते हैं 1 + 2
ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। अब फिर हम यहाँ पे देखते हैं तो यू थ्री इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, ये 2 आ जाएगा। ये 2 प्लस 4 ये आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं तो ये आ जाएगा 4, ये नेगेटिव आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे मिनिमम, सबसे पॉजिटिव नंबर, सबसे पॉजिटिव, सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है यहाँ पे है, ये थीटा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने थीटा बढ़ दिया है, तो अब थीटा को इसी तरह से ले जाना है। तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ये यहाँ से मुड़ेगा, ले आगे नहीं जाएगा क्योंकि आगे मुड़ने के लिए कोई चांस नहीं है इसके पास। तो यह यहाँ से आ जाएगा, फिर ये यहाँ से मुड़ के यहाँ जाएगा, और यहाँ यहाँ से नहीं मुड़ सकता, नीचे ना ऊपर जा सकता, तो यहाँ से मुड़ेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से ये यहाँ पे आएगा, इस तरह से घूमेगा ये। अब हम यहाँ पे थीटा फिल किया है, तो यहाँ पे हमें कुछ माइनस थीटा करना होगा। तो यहाँ पे माइनस थीटा किया है, तो यहाँ प्लस थीटा करना होगा। यहाँ प्लस थीटा किया है, तो यहाँ माइनस थीटा करना होगा। यहाँ माइनस थीटा किया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस थीटा करना होगा। यहाँ प्लस थीटा किया है, तो यहाँ माइनस थीटा करना होगा। इस तरह से होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 माइनस थीटा कर रहेगा, तो थीटा की वैल्यू हमें 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है थीटा, ये जो 0 है ना, इसको ये चेंज कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इसमें कहीं भी टेबल में चेंज नहीं आएगा, ओनली ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू की हेल्प से फिर से टेबल बनानी है। अब टेबल बनाते हैं, तो यहाँ 4 माइनस थीटा, लेकिन थीटा क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, थीटा यहाँ पे हमें नेगेटिव नहीं आना है, तो थीटा को ले सकते हैं थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 हम बता चुके हैं पहले कि ये थीटा कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इस टर्म में हमारे पास ये 0 0 है वो चेंज हो रहा है, वो 0 यहाँ से यहाँ के बजाय यहाँ पे आ रहा है, ये हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ से 0 चला जाएगा, 0 को हटा देंगे हम, ये 0 हमें यहाँ पे पुट करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ पे 0 हट गया, अब यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 8 रहेगा, ये 8 या 4 माइनस 4 प्लस थीटा, यहाँ 4 रहेगा, तो ये आ जाएगा 4, यहाँ पे यहाँ पर 4 है ही, ये 4 4 है ही। और फ्रेंड्स यहाँ पर है अपने पास, देखते हैं कहीं रह तो नहीं गया हमारे पास इसमें, तो 4 4 हमने पुट कर लिए हैं, देख सकते हैं 4 4 हमने पुट कर लिया इसमें अपने पास, 8 4 8 4 पुट कर लिया इस रो में, इस रो में हमारे पास 0 6, यहाँ पे सॉरी 6 हो रहा है अपने पास, 6 ये 4 4 ये हो गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स अवेलेबिलिटी देखते हैं, अवेलेबिलिटी 8 12 14, और रिक्वायरमेंट है अपने पास वो है, रिक्वायरमेंट है 4 4 6 8 8 4, 4 4 6 8 8 4, अब फ्रेंड्स ये रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ देख सकते हैं जो कंडीशन वो चेंज नहीं हो रहा, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 हो रहा है, इस तरह 8 प्लस 4 इक्वल टू 12 हो रहा है, 0 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 14 हो रहा है, इस तरह 4 प्लस 0 इक्वल टू 4 हो रहा है, 4 ये 4 हो रहा है, यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 हो रहा है, 8 यहाँ पे भी 8 हो रहा है, 4 प्लस 4 4 हो रहा है, 4 यहाँ पे 4 है। तो हमारे पास ये कंडीशन चेंज नहीं हुई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से वही हम यू बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 V5 V6। अब फ्रेंड्स U1 बराबर हमने 0 मान लिया है, इसको हमने 0 मान लिया, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, ये 2 आ गया, तो V2 बराबर 2 आ गया, क्योंकि 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमें ये आ चुका है फ्रेंड्स, हमारे पास ये 4 आ चुका है, तो अब ये V3 बराबर निकालना है, ये आ जाएगा 2, U3 बराबर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, ये आ गया। अब ये आ चुका है हमारे पास, U3 आ चुका है, तो हम V3 बराबर निकाल सकते हैं 2, अब यहाँ पे निकाल सकते हैं V5 बराबर 1, यहाँ पे निकाल सकते हैं V6 बराबर हम निकाल सकते हैं -2। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास आ चुका है V5 आ चुका है, तो हम V5 से U2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी अपने पास -1 सॉरी 1 0 आ जाएगी, 0 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये 0 आ चुका है, तो यहाँ से हम V4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी अपने पास 2। अब फ्रेंड्स ये आ चुका है, तो हम फिर से हम देखते हैं यहाँ पे 2 प्लस 0 ये नेगेटिव, 2 प्लस 0 ये 0, 1 प्लस 0 -6 नेगेटिव, -2 प्लस 0 -0 नेगेटिव। अब यहाँ पे देखते हैं 4 प्लस 0 ये नेगेटिव, 2 प्लस 0 -4 ये नेगेटिव, 2 प्लस 0 2 एंड -5 नेगेटिव। अब यहाँ पे देखते हैं -2 प्लस 0 -0 ये भी नेगेटिव,
अब यहाँ पे देखते हैं 2 + 2 4 - 5 नेगेटिव, यहाँ पे देखते हैं 2 + 2 4 - 7 नेगेटिव। अब फिर से यहाँ पे हम देख चुके हैं सभी या तो हमारे पास नेगेटिव आ रहे हैं या जीरो आ रहे हैं। यहाँ पे जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये है हम इस जीरो को हम एक बार और आगे कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, हमारे पास जो टेबल है वो सॉल्यूशन हो गए, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे। अगर कहीं हमें ध्यान रखना है, अगर कहीं नेगेटिव नहीं आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो सॉल्यूशन है, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया है, वो अकेला नहीं है, उसके अलावा और भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं या करेंगे। अब फिर यहाँ पे हमारे पास जीरो आया तो इसका मतलब है इसके सॉल्यूशन और भी एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सभी माइनस आ गए और जीरो आए हैं, पॉजिटिव कोई नहीं है, तो ये हमारे पास ये भी है कि हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, फिर ये हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन जिसको हम लिख सकते हैं f1 to m1, जो जाएंगे वो है अपने पास 4, और f1 to m2 जो जाएंगे वो है अपने पास 2। इसी तरह f2 से m4 जो जाएंगे वो है अपने पास 8, और f2 से m5 जाएंगे वो है अपने पास 4। यहाँ पे अपने 4 है, यहाँ पे ये यहाँ पर भी 4 है, यहाँ 8, यहाँ 1। अब f3 से यह जाएगा m1 पर जाएगा वो 0 है अपने पास, एंड f3 से m3 पर जाएगा, f3 से जो m3 के लिए सप्लाई होगी वो अपने पास 6 होगी, और इसी तरह हमारे पास f3 से m6 के लिए जो सप्लाई होगी वो 4 होगी, और m5 के लिए सप्लाई होगी वो 4 होगी, और m3 से m6 के लिए सप्लाई होगी वो भी 4 होगी। हमारे पास मतलब ये जो 4 बचा है ये f3 से m4, f3 के पास 4 एक्स्ट्रा रह जाएंगे, क्योंकि m6 जो है हमने क्रिएट किया था अपनी तरफ से, m6 अपनी तरफ से क्रिएट किया हुआ है, तो m6 में सप्लाई नहीं होगी, तो हमारे पास ये हमने कह सकते हैं कि f3 के पास जो डिमांड जो अवेलेबल थे 4, उनमें से 10 ही सप्लाई करेगा वो अपने पास 4, उसके पास शेष बच जाएंगे। और साथ ही यहाँ पे हमने एक एज्यूमिंग है कि यहाँ पे जीरो जाएगा, हमने माना है सिर्फ जीरो जाएगा, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। अब फिर से ऑप्टिमल वैल्यू निकालते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी, 4 × 4 जो भी उसकी कॉस्ट वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 4 × 4 4 × 2, इसको लिख सकते हैं हम 4 × 4 + 4 × 2 + फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं तो 8 × 2 + 4 × 1। अब यहाँ पे देखते हैं 0 × 6 तो लिखने से कोई फायदा नहीं है, 6 × 4 + 6 × 4 + अब यहाँ पे लिख सकते हैं 4 × 3। अब इसको लिखने से फायदा नहीं है क्योंकि 4 × 0 = 0 हो जाएगा, ये हो गया अपने पास 16 + 8 + 16 + 4 + 24 + 12। फ्रेंड्स इसका सम करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 16 + 16 + 32 + 24 + 8 + 32 + 12, तो ये हो गया प्लस 64 + 12, ये हो गया अपने पास फ्रेंड्स 76। जो मिनिमम कॉस्ट है वो 76 है फ्रेंड्स, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इसका। थैंक यू फ्रेंड्स।